नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने पौधों में वाटरिंग कब, कैसे और कितना करना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों को कोई नुकसान ना हो और पौधे हमारे मरे ना। तो इससे पहले, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँचती रहें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं अपने विषय पे। दोस्तों, हमारे पौधे ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों की वजह से ख़राब होते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमें पौधों में पानी कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। क्योंकि जब हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे पौधों की रूट्स जो है बीमार होती हैं, रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है और पौधे सूखने लग जाते हैं। और दोस्तों, जब हमारी अंडर वाटरिंग होती है, तो पौधों को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाने की वजह से पौधे सूखने लग जाते हैं। तो पानी देने का सही समय, पहले तो आपको इस गर्मियों के मौसम में आप दिन में 2 बार पानी दे सकते हैं, सुबह और शाम। और अगर आप एक टाइम देना चाहते हैं, तो शाम को पानी देना बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि पानी हमें कितना और कब देना है, कैसे पता चलेगा कि हमारे पौधे को पानी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार गमले की मिट्टी को 1 इंच की लेयर उठा के देख लीजिए। अगर मिट्टी भुरभुरी है, सूखी हुई है 1 इंच नीचे तक, तो आप इसमें वाटरिंग कीजिए। अगर ये, जब आप पता कैसे चलेगा, आपने मिट्टी ये उठाई 1 इंच नीचे और ये देखिए अपने हाथों में रगड़िए। अगर मिट्टी आपके हाथ में चिपकती है तो गीली है, अन्यथा मिट्टी सूखी हुई है और पौधे को वाटरिंग की आवश्यकता है, इस गमले में पानी की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपने मिट्टी, ये देखिए दूसरा गमला मेरा, आपने ये उठाई, ये मिट्टी देखिए गीली है, तो इसमें अभी वाटरिंग हमें नहीं करनी है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाटरिंग तभी की जाए जब मिट्टी सूख जाए, ऊपर की 1 इंच की लेयर सूखी हो, तभी इसमें वाटरिंग की जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें वाटरिंग करनी कैसे चाहिए। हमारे पास वाटरिंग करने के कई साधन होते हैं। हम डायरेक्ट टोटी से, वो पाइप से पानी देते हैं, मग से, या फिर वाटरिंग कैन होता है हमारा, इस प्रकार हम वाटरिंग कैन से वाटरिंग करते हैं, या मग से या पाइप से, हम किसी भी प्रकार वाटरिंग कर सकते हैं। पर उसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम पाइप से वाटरिंग करते हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट हम पानी एक जगह पर गिरा रहे होते हैं, तो गमले की मिट्टी खुद जाती है, गड्ढा हो जाता है उसमें, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर हम मग से ही पानी गिरा रहे, तो हम क्या करते हैं, अपने पौधे की जड़ों के पास पानी गिराते हैं, तो जड़ की खुदती है वहाँ से और जड़ों पर से मिट्टी हट जाती है। हमें वाटरिंग करनी है तो हमें गमलों की साइड साइड से वाटरिंग करनी चाहिए, ताकि जो पौधे की जड़ें होती हैं, वो गमलों की साइड में ही आके रुकी होती हैं, वहीं उनकी ग्रोथ होती है, तो वहाँ से वाटरिंग, मिट्टी भी खुदेगी नहीं और पौधों को पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। आप चाहे किसी भी माध्यम से करें, पाइप से करें या वाटरिंग कैन से करें या मग से करें, तो पाइप से भी करते हैं तो आपको पानी एक जगह पर स्थिर करके नहीं गिराना है। इससे क्या होता है कि मिट्टी वहाँ की हट जाती है। तो आप, मैं तो कहूँगा कि आप प्रेफर कीजिए इस प्रकार का, आप नोजल मंगवा लीजिए और इससे वाटरिंग कीजिए। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं सावर के, और तो इस हिसाब से पानी आप वाटरिंग करेंगे पाइप में लगा के, तो मिट्टी ख़राब नहीं होगी, मिट्टी खुदेगी नहीं। अब दोस्तों, वाटरिंग करना कितना चाहिए हमें, तो पानी हमें गमलों में सूखने के बाद देनी चाहिए और तब तक पानी देते रहना चाहिए जब तक वह गमले की ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आने लग जाए। तो हमें अपने पौधों में पानी इतना देना है कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आए, तब तक पानी देना चाहिए, क्योंकि पूरी मिट्टी नम होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, हमें पानी को किनारे किनारे से गिराना चाहिए और ड्रेनेज होल से बाहर आने तक वाटरिंग करना चाहिए। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बार इसमें वाटर कीजिए, पानी दीजिए और फिर दूसरे गमले में दीजिए, पानी सूख जाता है फिर इसमें दीजिए। तो पानी जब आपके ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, तो आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल चुका होगा और फिर आपको मिट्टी के सूखने के बाद वाटरिंग करनी है। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आप वाटरिंग करते हैं, तो आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा और पौधे हमेशा ही हेल्दी रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।